मुंबई में आज शिंदे उद्धव की दशहरा रैली। सीएम शिंदे की रैली में 2 लाख लोग जुटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। दशहरे पर आमने सामने उद्धव और शिंदे गुट। रैली से पहले वीडियो वॉर। उद्धव गुट के वीडियो ने शिंदे गुट के विधायकों को बताया गद्दार। शिंदे गुट के वीडियो में धोखा देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय। अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना। शिंदे उद्धव की रैली में भारी बारिश की संभावना। पूरे देश में दशहरे की धूम। पीएम मोदी ने दी सभी को शुभकामनाएं। दिल्ली में लगा सबसे ऊंचा रावण का पुतला। पश्चिम रेलवे पर आज से चलेंगी ज्यादा लोकल ट्रेनें। मुंबई करों का सफर होगा आसान। 5वीं और 6वीं रेलवे लाइनों के निर्माण का एक और चरण हुआ पूरा। ठाकरे की सभा के लिए शिव सैनिक नासिक से मुंबई हुए रवाना। शिव सैनिकों में भरपूर उत्साह। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सफल इनॉग्रल लैंडिंग। 2025 की शुरुआत में चरणबद्ध तरीके से होगा संचालन। माड़ा कोकण रीजन ने 12,000 घरों की लॉटरी का किया ऐलान। 11 दिसंबर रात तक जमा कर सकते हैं राशि। नागपुर में विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष बने चीफ गेस्ट। डुप्लीकेट शिवसेना के लोग दशहरा रैली करते हैं। वे भाड़े पर पैसा देकर लोगों को लाएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का हमला। फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे एनसीपी में शामिल। अजीत पवार ने चुनाव से पहले किया बड़ा दावा। कहा उनके पार्टी में आने से होगा फायदा। मुंबई के मालाड में ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की लूट। कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 14 गिरफ्तार। ठाणे में 727 करोड़ की लागत से बनेगा 32 फ्लोर का नगर निगम का प्रशासनिक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में नायलॉन मांझे से 8 लोगों का गला कटा। सभी अस्पताल में भर्ती बैन के बावजूद हो रहा है इस्तेमाल। वो लिंचिंग करते हैं। भाजपा की पार्टी आतंकी है। बीजेपी पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। थाने में बच्चों से मिलने स्कूल जा रही थी महिला। पति ने सरेराज चाकू से वार कर ली जान। कस्टडी को लेकर चल रहा था विवाद। मुंबई में सोने और चांदी के दामों में उछाल। सोना 77,670 रुपए तोला तो वही चांदी 97,000 रुपए किलो। थाने में बेवफाई के शक में पत्नी की ली जान। पति ने गला घोटा।